राजन गुरु विंध्याचल धाम, यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके, विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। ऐसा क्षेत्र पूरे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, जो कि यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है। हमारे पुराणों में आया है कि संगमे विंध्ये गंगायाम विंध्ये विंध्यवासिनी, जहां पर संगमे विंध्ये गंगायाम विंध्याचल पर्वत और भगवती भागीरथी का जहां संगम हो, वही माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, वही विंध्य पर्वत है। आज यहां आप जाएंगे रामगया में, तो वहां पर विंध्य पर्वत और माँ भागीरथी गंगा का संगम हुआ है, स्पष्ट रूप से देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर ईशान कोण में भगवती माता विंध्यवासिनी का दरबार है। यह भगवती आदि शक्ति हैं, अजन्मा हैं, इनके विषय में कहीं कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि इन्हें बिंदु वासिनी, जो बिंदु पर वास करती हों, ऐसी ये माता विंध्यवासिनी है, जो कि यहाँ पर 26 सितंबर से नवरात्र का प्रारंभ होने वाला है। और यह जो नवरात्र है, यह इस बार 9 दिनों का पड़ रहा है, 26 से लेकर के 4 सितंबर तक यह 9 दिन का नवरात्रा लग रहा है, जो कि परम पवित्र पावन मुहूर्त है। नवरात्र क्यों लगता है? नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदोच्यते, नव शक्ति भी संयुक्तम। नवरात्रि नाम क्यों पड़ा, दस रात्रि क्यों नहीं पड़ा? नव शक्ति भी संयुक्तम, मतलब कि जब भगवती की नवधा शक्ति, जब एक महाशक्ति के रूप में प्रकट होती है, तो चूंकि नवधा शक्ति है, इसलिए नवरात्रि पड़ा। यह जो विंध्य क्षेत्र है, यहां पर नवरात्रि के समय अन्यान्य समय यह भगवती माता विंध्यवासिनी का जो यहां दरबार है, यह इनका घर है, द्वार है। यहीं से भगवती पूरे निखिल ब्रह्मांड 14 भुवन की देखरेख करती हैं। यह वही क्षेत्र है जहां पर त्रिकोण की व्यवस्था लगी हुई है। यहां पर आकर के लोग त्रिकोण करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का जो यह त्रिकोण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा त्रिकोण पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम जो सूर्य का की पहली किरण जो निकलती है, तो यहाँ पर विंध्याचल में यहाँ एक समय सूचक यंत्र लगा हुआ है, यहाँ वैज्ञानिक के द्वारा यह सिद्ध किए हैं कि सूर्य की पहली किरण यहीं पड़ती है, और यहीं से भगवती पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था देखती है। यहाँ पर आप त्रिकोण मार्ग में जाएंगे तो महाकाली पूर्व की तरफ मुख करके पूर्व दिशा की, और जो पर्वत परष्ट भुजा माता के पास जाएंगे तो ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उत्तर दिशा की, और माँ तारा दक्षिण की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा की, और स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी आद्याशक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा यहाँ कर रही हैं। यह बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, इसलिए आज जो यहाँ नवरात्र लगने वाला है, यह नवरात्र के समय 9:54 पे कलश स्थापना का मुहूर्त है। आप अपने घर में, घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें, वहां पर माता विंध्यवासिनी का, माँ दुर्गा का फोटो रखने के बाद उनके सामने कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद दोनों तरफ माँ के दाहिने तरफ घी का दीपक जलाएं और बाईं तरफ तिल के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि घी के दीपक यदि 9 दिन अनवरत अखंड जलेगा तो आपके यहाँ सुख समृद्धि
का विकास होगा और उसकी प्राप्ति होगी। और तिल के तेल से यदि आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं 9 दिनों तक, तो महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो किसी अच्छे विद्वान को बुला करके, जो कि अपने वैदिक व्यवस्था को जानते हो, ऐसे विद्वान, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ऐसे विद्वान को बुलाइए जो कि शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, जो शास्त्र को जानते हो। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, यह शास्त्र विधेम उत्सृज्य, जो शास्त्र की व्यवस्था को ढक करके मनमाना आचरण करते हैं, वह न सुखम न पराम गतिम, न तो उनको सुख ही प्राप्त होता है और न तो उनकी गति ही बनती है। इसलिए हम बार बार ये कहेंगे, अच्छे कर्म कांड के विद्वान को बुला करके कलश की स्थापना कराएं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 9 दिन आप निरंतर जप करें और भगवती को, भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करें कि हे माता, मैं पूरा सपरिवार आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया हूं, आप मेरी रक्षा करो। निश्चित रूप से भगवती आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगी। और 9वें दिन व्रत का पारण करें, क्योंकि नवरात्र व्रतस्यापि पारणात् दशमी दिने। 9वें दिन आप क्या करें, 9वें दिन आप हवन करें, कन्या पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उस दिन व्रत रहें और पारण पारणात् दशमी में करें। इससे आपका जो व्रत है वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा और भगवती माता विंध्यवासिनी और माँ दुर्गा की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर अवश्य बनेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप, और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह।